कंपाउंड नाउन्स हाइफन की मदद से बनते हैं, HYPHEN। हाइफन क्या होता है? एक पंचुएशन मार्क है जो डैश की तरह होता है लेकिन डैश से छोटा होता है। जैसे मदर इन लॉ में आप हाइफन का प्रयोग किए होंगे, देख लीजिएगा, मदर के बाद छोटा सा डैश, फिर इन, इन के बाद फिर छोटा सा डैश, फिर उसके बाद लॉ, वही जो डैश है छोटा वाला उसी को बोलते हैं हाइफन। कभी कभार कंपाउंड नाउन्स मुख्य क्रिया के सहयोग से भी बनते हैं। अब मुख्य क्रिया के बाद हाइफन लगाएंगे आप, जो छोटा सा डैश है, उसके बाद प्रायः प्रेपोजिशन देखने को मिलता है, कभी कभार अन्य शब्द भी आ जाते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, होल्ड अप, होल्ड के बाद हाइफन, फिर उसके बाद यूपी अप। अब होल्ड अप शब्द बन गया कंपाउंड नाउन, अभी नाउन हो गया होल्ड अप, इसका अर्थ होता है देरी। दूसरे शब्दों में इंग्लिश में कहेंगे डिले, DELAY। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा होल्ड अप्स। दूसरा शब्द ले लीजिए होल्ड ऑल, होल्ड ऑल, होल्ड उसके बाद हाइफन फिर ALL, होल्ड ऑल का मतलब होता है अ काइंड ऑफ बैग, एक प्रकार का बैग। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? होल्ड ऑल्स, ALLS, यू गेट दैट। आइए तीसरे शब्द की ओर आते हैं, लुक आउट, लुक हाइफन आउट, लुक आउट का अब यहां पर कंपाउंड बन गया तो क्या हो गया इसका अर्थ? एक ऐसा स्थान जहां से आप लोगों पर नजर रख सकें, अ हाई प्लेस और स्ट्रक्चर, ढांचा, फ्रॉम वेयर यू कैन सी पीपल एंड ऑब्जर्व देम, और उन पर नजर रख सकें, लोगों को देख सकें और उन पर नजर रख सकें, ऐसा कोई एक ऊंचा सा ढांचा स्थान। ओके, लुकआउट प्लूरल होगा, लुकआउट्स, OUTS। आप अगला शब्द ले लीजिए, पिक मी अप, पिक हाइफन मी, ME हाइफन फिर अप, पिक मी अप, ये कंपाउंड नाउन बन गया। अब इसका अर्थ क्या हो गया? कोई ऐसी चीज जो आपको स्वस्थ रखे, जैसे सुबह के वक्त कोई अगर आप पौष्टिक चीज खाते हैं, मान लीजिए एप्पल ही खाते हैं, तो वो जो एप्पल है से वो आपके लिए पिक मी अप का काम करेगा। ऐसी कोई चीज जो आपको स्वस्थ बनाए रखे, आपको खुशनुमा रखे, पिक मी अप। अब जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो जो लास्ट वर्ड है अप, उसमें एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे, पिक मी अप्स। ओके।